अनेक अनेक जो 12 महीने यानी कि पूरे साल भर लगातार बहती हैं और पूरे देश को शुद्ध पानी देने का काम करती हैं, सींचने का काम करती हैं, पानी किसी के आचमन का काम आता है, कहीं लोगों के पीने के काम आता है, कहीं सींचने के काम आता है, काम आता है इतना। और पूरा जो हमारा उत्तराखंड 71 एरिया ऑफ द स्टेट वो फॉरेस्ट है, यानी कि पूरी की पूरी तरह से एनवायरमेंट देने का काम, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, प्योर एंड प्योर एयर दोनों देने का काम हमारा राज्य करता है। गंगा जी के साथ साथ गंगा, यमुना और इतनी नदियों के जो मैंने आप सबके नाम लिए, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, हमारे गंगोत्री, यमुनोत्री, और रिसेंट में अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आदि कैलाश, कैलाश मानसरोवर आप सब लोगों ने सुना होगा, आदि कैलाश भगवान भोलेनाथ का स्थान, मानसखंड भगवान भोलेनाथ का जो रहने वाला स्थान, भगवान केदारनाथ जी का स्थान, और तमिलनाडु आ रही हो, हमारे मुरुगेसन जी भी बैठे हैं, ये भी हमारे उत्तराखंड के हैं, यहाँ पर मीनाक्षी सुंदरम जी हैं, डॉक्टर आर राजेश जी हैं, और सामने श्री सचिन कुर्बे जी, इन्होंने भी यहाँ कई साल अपनी सेवाएं दी हैं। तो सारे लोग भली भांति जानते हैं कि जैसे केदारनाथ जी, आदि कैलाश, ये भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पर, हमारे ऊपर उनकी कृपा, और यहां रामेश्वरम, दोनों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं, सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, और कहीं ना कहीं हम सबके रिश्ते, हम इसको और प्रगाढ़ करने का काम आगे करेंगे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के लीडरशिप में बनारस के अंदर काशी तमिल संगमम हुआ था, उसी तरीके से उत्तराखंड में भी हम उत्तराखंड तमिल संगमम एक आगे बढ़ाएंगे, उस काम को आगे बढ़ाएंगे, और जहां हम इन्वेस्टमेंट के रूप में आप सबको इनवाइट करने के लिए आए हैं कि 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें हमारा ये इन्वेस्टर समिट होना है, उस समिट में आप सब जरूर पधारिए और एक बार कम उत्तराखंड, विजिट उत्तराखंड, एंड मैं कहूंगा कि इन्वेस्ट इन उत्तराखंड। और क्यों करें आप, केवल उत्तराखंड में इन्वेस्ट क्यों करें? मेरे से पहले बोलने वाले बहुगुणा जी ने बताया, हमारे सतपाल महाराज जी ने बताया, श्री मीनाक्षी सुंदरम जी ने बताया कि उत्तराखंड में देखिए, एक तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, और बहुत बार बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। मैं कल यहां जब पहुंचा तो इससे पहले जो ये आज रोड शो हमारा चेन्नई में हो रहा है, चेन्नई रोड शो से पहले हम इंग्लैंड में भी गए, लंदन में रोड शो हुआ, बर्मिंगम में रोड शो हुआ, अब दुबई और अबू धाबी, और दिल्ली में पहले हो चुका है। ये बात कहीं पर आई नहीं विदेशों में भी, लेकिन यहां पर एक बात आ रही थी कि जोशीमठ में बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हो गया है, और एक पिक्चर जो टेलीविजन पर दिखाई गई, चूंकि इस बार दुर्भाग्य से जो हिमालयी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी में बहुत ज्यादा डिजास्टर हुआ, लेकिन हिमाचल में कुछ ज्यादा डिजास्टर हुआ, तो वहीं का कोई क्लिप लेकर उस क्लिप को भी ये बता दिया गया कि ये उत्तराखंड का है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, डिजास्टर आया जरूर, लेकिन भगवान की कृपा से बहुत लोगों की कोई जान माल की बहुत हानि नहीं हुई, और जोशीमठ भगवान बद्रीनाथ जी का द्वार है, और उसी द्वार से इस बार हमारे यहाँ कितने सचिन जी, कितने लाख जोशीमठ वहां बद्रीनाथ, नहीं चारों धाम तो 50 लाख से ऊपर हो गए, लेकिन 18 लाख लोग अभी तक बद्रीनाथ जी के केवल दर्शन कर चुके हैं। तो आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि अगर कोई स्थिति खराब हो रही होती,
कोई वहां पर अच्छा नहीं हो रहा होता तो लोग कैसे आते। बल्कि हमको तो कई बार रोकना पड़ता था, हमको अपील करनी पड़ती थी कि आप अभी यहां पर थोड़ा स्थिति ठीक नहीं है, थोड़ा स्थिति खराब है, इसलिए आप अभी मत आइए, अपनी यात्रा रोक दीजिए, मौसम ठीक हो जाएगा तो आप यात्रा अपनी करिए। उसके बावजूद भी भक्तों का सैलाब, तीर्थयात्रियों का सैलाब लगातार, और हमारे चारों धाम विशेषकर से बद्रीनाथ और केदारनाथ जैम पैक्ड, हर समय जो है इतनी संख्या थी कि उनका इंतजाम करना हमारे लिए कठिन होता है। हरिद्वार में जहां से हमारे आपने 6 साल जहां करा मुथु जी ने, तो 6 साल जहां करा आपने, वहां इस बार जो कावड़ यात्रा है हमारी 15 से 20 दिन की कावड़ यात्रा, शंकर जी इस 20 से 1 महीने की यात्रा में 4,15,00,000 लोग आए जो मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को गए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पूरी तरह से सेफ है। हमारे पास 6,000 एकड़ का हमने लैंड बैंक बनाया है, 6,000 एकड़ का लैंड बैंक इंडस्ट्री के लिए लगाया बनाया है, और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े उद्योग समूह जिनके बहुत सारों के नाम लिए इन्होंने, मैं उन नामों को दोहराना नहीं चाहता, वो सारे वहां पर काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, किसी प्रकार का जो हमारा श्रमिक वर्ग को लेबर क्लास और मैनेजमेंट दोनों में कोई क्लैश नहीं है कहीं पर। सरकार हर जगह सहयोगी है, हमारा प्रशासन सहयोगी है। हमने 30 से ज्यादा 30 पॉलिसी हम नई लेकर आए हैं, हमने नई पॉलिसियों को लाए हैं। बहुत सारी पॉलिसी हमने लिबरल की है, लॉजिस्टिक की पॉलिसी बनाई है, एमएसएमई की पॉलिसी बनाई है, टूरिज्म की पॉलिसी बनाई है, इंडस्ट्री की पॉलिसी बनाई है, ये सारी पॉलिसियां हम लाए हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड आइए, इकोनॉमी विद इकोनॉमी का हमने मॉडल बनाया है, और निश्चित रूप से आप सब लोग, जितने भी लोग आज यहां आए, क्रीम है ये, चेन्नई की क्रीम है, क्रीम ऑफ चेन्नई में कह सकता हूं ना इसको, क्यों शंकर जी कह सकते हैं तो ये क्रीम निश्चित रूप से बिजनेस के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में ये जो टॉप पर जो काम कर रहे हैं, क्यों डॉक्टर भावना जी, तो ये मैं आप सबको इनवाइट करने के लिए आया हूं कि आप एक बार देखिए, जिन लोगों ने देखा वो आइए एक बार वहां की यात्रा करिए, हमारे यहाँ के पर्वतों को देखिए, हमारे यहाँ के वनों को देखिए, और हमारे यहाँ की इंडस्ट्री को भी देखिए। आप इंडस्ट्री को देखेंगे, नदियों को देखेंगे, ग्लेशियर को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि पूरे विश्व में, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व में सबसे सुंदर स्थान कहीं है तो देवभूमि उत्तराखंड है। और मैं आपको बताऊं कि मैं जब वहां अबू धाबी के शेख उनसे मिलने गया तो बोले कि वेलकम, आइए आप तो जो इंडिया में एक स्विट्जरलैंड है वहां के स्टेट से आए हैं। तो इस प्रकार की संज्ञा जो है विदेशों में लोग देते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप जरूर आए और आपको वहां पर एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा। और सबसे अच्छा एटमॉस्फेयर क्या है कि ये मीनाक्षी सुंदरम यहां पर बैठे हैं, आज मैंने ये इसी शहर में पढ़े हैं, यहीं से इन्होंने डॉक्टरी करी है, यहीं से इनका बचपन बीता है, यहीं पैदा हुए हैं। तो मैंने आज इनसे पूछा, आज जब हम पार्थ स्वामी मंदिर जा रहे थे टेम्पल सवेरे, तो मैंने कहा अब आप क्या वापस क्या आप यहां आएंगे क्या चेन्नई? बोले साहब अब तो बच्चे भी कहते हैं कि थोड़े दिन बाद अगर हम यहां आते हैं तो गर्मी लगने लगती है, सब आप कैसे आ पाएंगे, अब बच्चे भी वहीं जो है रहेंगे, यहीं बैठे हैं मेरे सामने, आज सवेरे की बात बता रहा हूं, ये कोई मेरा बनाया हुआ प्रसंग नहीं है, ये नेचुरल है। तो इस प्रकार की हमारी ये भूमि है, और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं
कि आप अगर उत्तराखंड आएंगे तो आपको अपने जो आपका डिसीजन है उस डिसीजन पर कभी पछतावा नहीं होगा। आपको लगेगा कि आपने जिंदगी में एक बेहतरीन डिसीजन लिया है इन्वेस्ट करने के लिए। पूरी आज लोग भारत के अंदर तो खैर पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, आज पूरी दुनिया के लोगों का रुझान इंडिया की ओर हुआ है, भारत की ओर हुआ है, हमारे देश के अंदर लोग आना चाहते हैं। आपके लिए भी पूरा भारत है, पूरा वर्ल्ड है, लेकिन एक देवभूमि एक ऐसी जगह है जहां काम करना जन्म लेने से भी ज्यादा बड़ा है। जिनका जन्म हुआ है वो तो है ही, भगवान ने उनको दिया है, लेकिन आपने वहां कर्म करने का प्रयत्न किया है या प्रयास किया है या आप आगे बढ़े हैं तो भगवान की आपके ऊपर भी बहुत बड़ी कृपा होगी। गॉड ब्लेस यू। हमेशा भगवान जो है आप सब पर कृपा करेंगे। मैं उत्तराखंड में निवेश करने से पहले निश्चित रूप से, आप व्यापार में काम करते हैं शंकर जी, इतनी बड़ी, अभी आप तो मुंबई जाने वाले हैं ना, मुंबई जाने वाले हैं, और आप लोग जो है बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखेंगे, बहुत सारी जानकारियां करेंगे, रिसर्च करेंगे और बिजनेस को देखेंगे कि बिजनेस आगे बढ़ने वाला है कि नहीं बढ़ने वाला है, फायदा होने वाला है कि नहीं होने वाला है। अब इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतना AI का सिस्टम आ गया है और फ्यूचर लोग देखते हैं। आज फ्यूचर जहां भारत में है वहीं फ्यूचर उत्तराखंड में भी है। मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, एक बार फिर से मैं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को, 8 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट इसका इनोग्रेशन होगा और 9 को भी चलेगी, वैसे 10 को भी हमने कहा है कि 3 दिन तक हम लगातार उसको करेंगे, लेकिन 8 तारीख के लिए मैं आप सभी को निमंत्रण देने के लिए, इनवाइट करने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग जरूर उत्तराखंड आएंगे और हमारे इस कार्यक्रम की भी शोभा बढ़ाएंगे। आप सबका एक बार दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद।